सरकार की नीतियों के विरोध में नॉर्दर्न रेलवे मेस यूनियन के तत्प्रावधान में रेल कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन पर धरना देकर एक दिवसीय भूख हड़ताल की है और अपनी लंबित मांगों को लेकर सीट समाधान की मांग भी की। साथ ही रेलवे स्टेशन पर धरने पर भूख हड़ताल पर बैठे नॉर्दर्न रेलवे मेस यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन को लेकर शिथिलता बरत रही है, जबकि रेलवे के निजीकरण की ओर तेजी से केंद्र सरकार बढ़ रही है, जिसका रेल कर्मचारी पुरजोर विरोध करते हैं। और केंद्र सरकार की इस नीति के विरोध में आज उन्होंने एक दिवसीय पूर्ण भूख हड़ताल केंद्र सरकार को चेताने के लिए की है। आपको बता दें कि मुरादाबाद मंडल में मंडल मंत्री राजेश चौबे के नेतृत्व में मंडल की सभी 18 शाखाओं द्वारा अपने अपने क्षेत्र में प्रमुख स्थलों पर एक दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। हमारे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल का निर्णय लिया, जिस पर हमारे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के एफिलिएट यूनियन पूरे भारत वर्ष में है, अपनी अपनी शाखाओं को उन्होंने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला लिया। हमारी मांग है कि जो हमारी न्यू पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, भारतीय रेल का किसी भी हिस्से को निजी हाथों में ना दिया जाए, कर्मचारियों का प्रमोशन समय पर हो, कर्मचारियों को जो भत्ते भारत सरकार द्वारा निहित है उनका समय पर भुगतान किया जाए, किसी भी भत्तों में से किसी प्रकार की कटौती ना हो, हमारे पदोन्नति के अवसर हमको प्रदान किए जाएँ, कर्मचारियों का अनैतिक शोषण और मानसिक दबाव उत्पीड़न बंद किया जाए, और जो हमारा कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की एनोमलीज है उनको विसंगतियों को दूर किया जाए, जो भी हमारी मांगे हैं उन सबको शीघ्र पूर्ण किया जाए, भारतीय रेल में तमाम रिक्तियां चल रही हैं उन रिक्तियों को शीघ्र भरा जाए, महिलाओं को विशेष अधिकार भारत सरकार द्वारा प्राप्त है, कार्यस्थल पर जो अधिकार उनको भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं समय समय पर उनको वो अधिकार दिए जाने चाहिए, हम लोगों की यही मांग है। और एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करके हमने सरकार को चेतावनी देने का काम किया है, यदि भारत सरकार के कानून पर अभी भी जू नहीं रही तो हमारा आंदोलन और व्यापक और बड़ा होने की उम्मीद है। हम लोग किसी भी आंदोलन को मुख्य रूप में लाने का काम कर सकते हैं। जनपद के सभी क्षेत्रवासियों को राज्य मंत्री राजा मंकेश्वर शरण सिंह के सानिध्य में मोहम्मद अशरफ प्रधान प्रतिनिधि भैलाई कला तिलोई जनपद अमेठी की तरफ से नवरात्रि दशहरा वारा रवि अवल व दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई।